नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, रामलला जब टेंट में थे तो हम सबको पीड़ा होती थी। रामलला का भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। इनके समय में अयोध्या की सड़कों और घाटों की क्या दशा हुआ करती थी। बनारस में घाटों और गलियों की क्या दशा होती थी, मुझे बताइए। ये दुर्दशा देख करके आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी, जरा पूरी ताकत से बताइए। आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? क्या सपा वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्या कभी भी मंदिर बनने देते क्या? मंदिर बनने देते क्या? आज भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने है। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको अब रामलला जी टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में गए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? रामलला जब टेंट में थे हम सबको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप इनके ये मंसूबे कामयाब होने देंगे क्या? उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कल 17 मई को प्रधानमंत्री मोदी हमीरपुर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी पार्टी प्रत्याशी पुष्पेंद्र चंदेल के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह भी बता दें कि जनसभा का आयोजन कस्बा राठ के स्वामी ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया है। वहीं पीएम दोपहर 2 बजे हमीरपुर पहुंचेंगे। वहीं स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो वहीं इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को लेकर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से SPG ने ट्रायल किया है। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जनपद ललितपुर पहुंचे। उन्होंने महारावनी कस्बा में एक गार्डन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कस्बा में रोड शो कर प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे। चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने BJP सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसानों और गरीबों का शोषण हो रहा है। जो गरीब हैं वो और भी गरीब होता जा रहा है, वहीं अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। और क्या कुछ कहा, देखिए। तो इस 10 सालों में गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया।
इन 10 सालों में एक रुपया भी किसान या मजदूर के कर्जे का माफ नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। मोदी की गारंटी जो है वो केवल हवाबाजी है, जुमलाबाजी है। जिस तरह से लोग बात कहते हैं कि मोदी जी के पास ऐसा वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है कि भ्रष्टाचारियों के सारे दाग धोकर वे उन्हें ईमानदार बना देते हैं। वो गारंटी लेते थे कि मैं उन्हें सबको जेल भेजूंगा। आज मोदी परिवार तैयार हो गया है जिसमें पूरे देश के भ्रष्टाचारी जो हैं आज मोदी परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मैं पूरी देश की संपत्ति वो कुछ लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं। क्या यही भारत की आपने कल्पना की थी? आज भ्रष्टाचारी और ईमानदार राजनीति के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। राजनीतिक सफर आप देखेंगे तो उन्होंने का एक ही मुद्दा रहा है, केवल हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ। हर चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान और हर चुनाव में हिंदू मुसलमान का। आम आदमी पार्टी नेत्री स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, इसमें दो बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हों। दूसरा, आम आदमी पार्टी आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। अरे जनता के साथ कल ही तो वो कह रहे थे, कल था या परसों वो कह रहे थे कि अगर मैं ऐसी बातें करूं तो मैं प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं हूं। आज क्या हो गया, मन बदल गया कि भीड़ बदल गई? मतलब क्या हुआ? कल कुछ कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, परसों कुछ और कहेंगे, तो भरोसा कैसे कर सकते हैं हम प्रधानमंत्री के लफ्जों पे? कोई वजन ही नहीं रही उनकी बातों में। सपा और कांग्रेस दोनों को ही यूपी के अंदर वो निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पहले बयान आया था कि हम 80 में से 79 सीट हम जीते हैं, अखिलेश यादव ने कहा। अरे उन्होंने कहा था 400 पार, अब क्यों नहीं कहते? क्या हो गया, चार चरण हो गए, अब 400 पार खत्म, अब ये क्यों नहीं निकल रहे ये लफ्ज इनके मुंह से? तो कैसे देख रहे हैं आप चार चरणों के बाद में, क्योंकि अब आप लोगों की तरफ से भी भाषा अलग अलग बदल रही है यहाँ पे? नहीं, भी हम हमारी मैं, बिल्कुल मैं नहीं। रैली में कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप एमपी नहीं पीएम चुन रहे हैं, तो आप लोगों को क्या आश्वस्त होते जा रहे हैं कि अब ये सरकार? मैंने कहा है, राहुल जी ने कहा है, राहुल जी मैंने सबने यही कहा है कि इंडिया गठबंधन ये तय करेगी अगर ये परिस्थितियां बनेंगी। तो ये लफ्ज आप हमारे बदलवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने तो नहीं बदले। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपना मुद्दा प्रदेश की सबसे बड़ी बहुचर्चित कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपना मुद्दा बताया। कहा कि क्षेत्र का डेवलपमेंट ही हमारी प्राथमिकता होगी और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहूंगा। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि जीतने के बाद कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से सबसे पहले रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण होगा, वहीं राजकीय विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज लाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां वही हमारे पीछे। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी कैसरगंज लोकसभा के लिए? प्राथमिकता देखिए डेवलपमेंट, ये हमारा मेन फोकस है, डेवलपमेंट रहेगा। चुनाव खत्म हो जाएगा, हम लोग आपस में बैठ के प्लान बनाएंगे। जीतने के बाद वो क्या सौगात होगी जो कैसरगंज की जनता को मिलने वाली है? बहुत चीजें अभी इस पे बैठ के हम एक बार डिसाइड करके फिर देखेंगे, बहुत चीजें हैं। विश्वविद्यालय चला गया है क्या? हाँ, विश्वविद्यालय है, जरूर आएगा, मेडिकल कॉलेज है। जो फ्लाईओवर की बात है सबसे बड़ी समस्या है, फ्लाईओवर में अभी बोलना नहीं चाह रहा था। हमारी फ्लाईओवर है जैसे जहाँ पता लग रहा है, खुद जा रहे हैं हम लोग को जहाँ मिल रहा है, दो तीन फ्लाईओवर है, मेडिकल कॉलेज है सब जगह है, सिर्फ कैसरगंज में मेडिकल कॉलेज नहीं है, गोंडा में है, बहराइच में है। किस तरीके का रिस्पांस आपको मिला है? बहुत बढ़िया, बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर में एक लड़का आशीर्वाद लेने आया है और पूरी जनता चुनाव लड़ा रही है, सब भाई है, परिवार है, सब चुनाव लड़ा। कैसरगंज लोकसभा से दो बार लगातार आपके पिताजी सांसद रहे, क्या उनका भी जो लोकप्रियता का लाभ है वो आपको मिल रहा है?
उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सारा प्यार मुझे भी मिला। कैसा बहुत देखो जैसा जितना प्यार मुझे घर जैसा प्यार मिला, घर जैसे इसकी देखभाल भी करूँगा। उनके चले गए कितने वोटों से करण भूषण सिंह कैसरगंज लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं? बहुत बड़ी जीत होगी। बस इतना ही, नमस्कार।